बिस्मा वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर भी हम कर लाएंगे। रीजन फॉर द टाइम बीइंग यही था कि यार ये जो वॉर की तरफ जा रहे हैं ना, ये जो वॉर की तरफ जा रहे हैं ये ना जाएं, इनको वॉर से रोकें। लेकिन नहीं, हो वॉर फिर भी हो गई। बेटा कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? कॉम्प्रोमाइज हमेशा लेजिस्लेचर्स में होते हैं, तो लेजिस्लेचर में हुआ था ये। एटीन ट्वेंटी थ्री मनरो डॉक्ट्रिन, मनरो डॉक्ट्रिन। अब मनरो कौन है? मनरो कौन है? मनरो वाज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन। दूसरे का जॉन एडम। तीसरे का जेफरसन। चौथे का जेम्स मैडिसन। पांचवें का जेम्स मनरो। विच प्रेसिडेंट इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जब न्यू जर्सी प्लान और वर्जीनिया प्लान हुआ था ना, इन दोनों प्लान को मिक्स करके जो एक कनेडिकट कंप्रोमाइज किया गया था, तो जो बंदा जिस बंदे ने इसको डिटेल में लिखा था, दैट गाय वाज जेम्स मैडिसन। इसलिए इसको जेम्स मैडिसन को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जेफरसन ने क्या किया था जो तो तुम जेफरसन में कंफ्यूज कर रहे हो? जेफरसन ने कुछ और किया था। जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को जो डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पास हुआ था, जेफरसन ने वो लिखा था। तो प्लीज ये दो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर रिपीट किए जाते हैं, तो ये कभी ना भूलना। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन, जिसने 1788 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दैट वाज जेम्स मैडिसन। वाइल द जेफरसन वाज द पर्सन जिसने 1776 का डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। और जॉन एडम के बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और मनरो डॉक्ट्रिन किसने दी? मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में जेम्स मनरो ने दी। वॉर ऑफ 1812 अमेरिका अपने आप को मनवा चुका था। क्या वो अमेरिका नहीं है जहां पे तुम लोग समझते थे कि सिर्फ जंगलात हैं और हम जाके कब्जे शब्जे कर लेंगे एंड ऑल दैट? नो, आई एम अ ग्रेट पावर नाउ। और 1823 तक जब इसने अपने पर बाबा फैला फलू लिए, तो इसने एक डॉक्ट्रीन ली जिसको कहते हैं मनरो डॉक्ट्रीन। मनरो डॉक्ट्रीन की जो खुलासा है, जो इसकी समरी है मनरो डॉक्ट्रिन की, वो आपने इतना याद रखना है कि जब अमेरिका जब यूएसए एज ए लीडर
ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक्ट करे। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक्ट करे। तो उस दौर में जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब इसको मनरो डॉक्ट्रिन क्यों कहते हैं और इस बात का जो दो लाइन में लिखी है इसका क्या मतलब है, आपको इसको समझने की जरूरत है। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। मनरो किसका प्रेसिडेंट है? यूएस का। अब जी मैं एक बात लिखना चाह रहा हूं, बस वो एक बात इस पूरी बात का समय। मनरो प्रेसिडेंट किसके है? मनरो प्रेसिडेंट है यूएस का, लेकिन मनरो ने मनरो डॉक्ट्राइन किसके बारे में दी? मनरो ने मनरो डॉक्ट्रीन पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में दी। तो मनरो डॉक्ट्रीन में जब भी हम अमेरिकन का लफ्ज यूज करेंगे तो उस अमेरिका का मतलब यूएस नहीं होगा, उस अमेरिका का मतलब होगा द होल अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बिकॉज मनरो डॉक्ट्रीन वॉज ऑल अबाउट अमेरिकन, द होल अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लाइक पहली बात क्या थी मनरो की, ये आपने खुद ही लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगा। पहली बात ये थी, देखो, नो अमेरिकन लैंड, नो अमेरिकन लैंड वुड बी सब्जेक्टेड टू यूरोपियन कोलोनियलिज्म एनी मोर। मतलब आज के बाद कोई भी यूरोपियन कंट्री अमेरिका में, अब यहां पे अमेरिका के से क्या मुराद है, द होल कॉन्टिनेंट। नो लैंड वुड बी सब्जेक्टेड टू अमेरिकन कॉलोनियलिज्म एनी मोर। नंबर टू, अमेरिका वुड नॉट इंटरफेयर, अमेरिका वुड नॉट इंटरफेयर इन यूरोपियन अफेयर्स। अमेरिका वुड नॉट इंटरफेयर इन यूरोपियन अफेयर्स एंड वाइस वर्सा। अमेरिका यूरोपियन अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड आई रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, व्हाट इज मेंट बाय अमेरिका? अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड यूरोप वुड नॉट ट्राई टू प्लांट, यूरोप वुड नॉट ट्राई टू प्लांट देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन अमेरिका। ठीक हो गया? अच्छा, अब तुम्हें कहीं
ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि जो अमेरिका है शायद वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का भला चाहता है? द आंसर इज नो। अमेरिका असल में बाकियों को रोक के सिर्फ अपनी हेजेमनी बरकरार रखना चाहता है। और अगर तुम आईआर के कंटेक्स्ट में देखते हो, अगर तुम आईआर के कंटेक्स्ट में देखते हो, तो क्या मनरो डॉक्ट्रीन रीजनलिज्म की मिसाल है या मनरो डॉक्ट्रीन ग्लोबलिज्म की मिसाल है? रीजनलिज्म की, ठीक है, ओके। इसके बाद 1823 के बाद जब भी कोई कंट्री के अंदर यूएस कब्जा करेगा और कोई यूरोपियन कंट्री इसकी हेल्प करना चाहेगा उस मुल्क की, तो अमेरिकन क्या कहेंगे? मॉनरो डॉक्ट्रिन। असल में यहाँ पे बाकी यूरोपियन पावर्स का रास्ता रोक के अमेरिकन्स ने अपने लिए रास्ता आसान किया। तो इसी बेस पे आप फर्दर देखोगे कि जब अमेरिका पावरफुल हुआ, जब अमेरिका सही पावरफुल हुआ, जिसको पावरफुल होना कहते हैं, कब हुआ? In 90s। तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट आएगा थियोडोर रूजवेल्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी सही, पॉलिसी देगा बिग स्टिक पॉलिसी। क्या मतलब? मतलब ये कि बैठना तो इधर ही है, लेकिन इधर ही बैठ के लंबा छोटा हाथ में पकड़ना है और इन उल्लू के पट्टों को अपने कंट्रोल में रखना है। कहेगा टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। बिलाल साहब, ये तो जनाबे अला 1823 से लेके 1917 तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरी एक सेंचुरी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो मनरो डॉक्ट्रिन पे रही है। आपको तो पता ही नहीं है। फिर जब तक वर्ल्ड वॉर वन नहीं हुई, तब तक अमेरिका ने कोई पंगा क्रिएट नहीं किया। बाहर में कहते हैं अपने काम से अपने काम रखो, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना। और जब साउथ अमेरिका ने इन पॉलिसीज के अगेंस्ट काफी सारी आवाज उठाई, तो जो अगला प्रेसिडेंट आया विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट, तो विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट ने पता क्या किया? रखा फिर भी इनको अपने कंट्रोल में, बस पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी, डॉलर डिप्लोमेसी। इन लोगों को पैसे जैसे देने शुरू कर दिए, खुश करना शुरू कर दिया, लेकिन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फिर भी यही था कि इन नॉर्थ अमेरिकन को किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना है। आई होप यू वुड हैव गॉट इट। टाइम क्या हुआ है? ओह है, 11 बजे हैं। ओके, 11 से लेके 11:20 तक ब्रेक लो 20 मिनट, और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। तुम्हारी जो मुझसे मोहब्बत है ना, वो 50% ज्यादा हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई हैव सच अ सिंपल मैथड टू टीच दिस। द टॉपिक इज वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आई विल टीच यू इन सच ए सिंपल वे कि मैं आपको एक मैप बनवाता हूँ और वो मैप आपने मेरे साथ साथ बनाना है। और अगर वो मैप बनाना आ गया ना सिर्फ, तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ओके, सो मेक अ मैप विद मी। ओके
पहले के हाथ लगे हैं अच्छा ये अपने पेजेस में वो कर लो लैंडस्केप क्या कहते हैं लैंडस्केप कहते हैं अपने पेजेस में लैंडस्केप कर लो एक न्यू पेज निकालो न्यू पेज निकाल लो भाई ठीक है न्यू पेज निकाल लो और उसको लैंडस्केप कर लो बड़ा सा यूएस का मैप बनाओ बड़ा सा से मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूं ये ऐसे पेपर में भी आए तो ऐसे ही बनाना मैप इसके साथ हो गया उसके बाद दिस वन 1776 द यूएसए उसके बाद इसके दो पार्ट्स कर लो वन इज ईस्ट फ्लोरिडा एनेक्सेशन वन इज वेस्ट फ्लोरिडा एनेक्सेशन Again, 1819, and this is 1803, Louisiana Purchase, and इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो तीन पार्ट्स बना लो इसके यहां पे लिख लो टैक्सेस एनेक्सेशन और ये हो जाएगी 1845 नहीं 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 टैक्सेस एनेक्सेशन फाइव ही है अच्छा दिस इज 1846 ओरेगन सेटलमेंट एंड This is 1848 Mexican session. नहीं अंजा मैं ठीक हूँ अगर मुझे गलत लगता है ना तो मैं वहीं पे रुक जाता हूँ क्योंकि अगर मैं एक डेट गलत लिखवाऊंगा तो वो 170 डेट्स गलत लिखी जाएंगी तो आपने एक बात की तसल्ली रखनी है कि इस तरफ से जान तो जा सकती है पर कुछ गलत नहीं बताया जा सकता एंड इट इज ये गैडसन
गेट्स एंड परचेज, गेट्स एंड परचेज 1843, इट इज मैक्सिकन सेशन, मैक्सिकन सेशन। एंड दिस इज, नहीं सभी का, इट इज 1867 एंड इट इज अलास्कन परचेज। सभी का तुम उसकी कुछ लगती तो नहीं हो, क्या नाम उसका, सैयदा मलिका की। हियर आर उसकी सगी बहनों, रियली तो तुम उसी से पढ़ लेते ना, वो तो इतनी मेरी जो ना वो सबसे काबिल स्टूडेंट थी। T98 एंड इट इज हवाई, इट इज हवाई नेक्सेशन। हाँ, और यार अगर तुम मेरे पेज पे जाओगे ना, अगर तुम मेरे पेज पे जाओगे ना, तो मलिका ने इतना प्यारा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का मैप बनाया हुआ ना, तो तुम लोग वो जरूर देखना मैप, वो उसने बड़ा खूबसूरत तरीके से ना उसको कलरफुल बनाया हुआ था, वो बहुत खूबसूरत उसने बनाया था। तो मैं तो रफ ही बनाया, लेकिन उसने बड़ा खूबसूरत बनाया था। कोई बात नहीं, जिसको डेट्स के इश्यू हो रहे हैं ना, तो ये हम इधर रख रहे हैं और इधर हम बारी बारी सारे इवेंट्स को देख रहे हैं कि इवेंट्स कैसे हुए। ठीक है, अभी हम एक एक इवेंट करके सारे जना वो कर देते हैं। टॉपिक है हमारा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। पहले ये समझो कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या है। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का ये मतलब है कि अमेरिका की पहले तो सिर्फ 13 कॉलोनीज थी, तो इन 13 कॉलोनी से अपने आप को वेस्टवर्ड एक्सपेंड कैसे किया, कौन सी कंसेशन की, कौन सी एनेक्सेशन की, कौन सा परचेज किया, कौन सी जो है ना और काम किया, और इन चीजों करके अपने आप को वेस्टवर्ड एक्सपेंड कैसे किया, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको ये मैप शैप याद हो गया होगा, तो इसी मैप को माइंड में रख के ये देखो कि पहला जो इवेंट हुआ वो तो सिंपली है 1776 की, आफ्टर द आर्टिकल्स, सॉरी, डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, थर्टीन कॉलोनीज ने कहा कि वी आर नॉट द 13 कॉलोनीज, वी आर द 13 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपको पता है कि वही जो है ना उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बढ़ती रही। बिकॉज अगर आप 1700 में पॉपुलेशन देखो यूएस की, मतलब अमेरिका बनने से पहले जब वो कॉलोनीज थी, तो इट वाज ओनली 0.25 मिलियन। अगर तुम यही पॉपुलेशन 1775 में देखते हो कि जब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, मतलब ऑलमोस्ट अमेरिका बनने के 1 साल पहले, तो ये 2.5 मिलियन है। और यही पॉपुलेशन अगर तुम 1800 में देखते हो, तो इट शार्पली जंप एट 5.2 मिलियन। क्या तुम बता सकते हो कि यह कितना इतना बड़ा जंप क्यों आया है? इमिग्रेशन हुई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुई है इस पीरियड में। ठीक है, और अगर तुम 1900 में यही पॉपुलेशन देखते हो, तो इट जंप अप टू 7.62 मिलियन, फ्रांस से भी, बाकी सारे एरिया से भी। तो हमने ये देख रहे हैं, ये अपना पहला ऐसा देखा हमने कि 1776 में यूएसए बना। अब मैं आपको इस दूसरे पार्ट का बताता हूँ जिसके अंदर लुइजियाना परचेज हुई। तो लुइजियाना परचेज हुई 1803 में,
1803 में लुइजियाना परचेज हुई, और ये लुइजियाना कहाँ से परचेज किया? ये परचेज किया फ्रांस से, और इससे जो अमेरिका का साइज है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और इससे जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो बहुत तेज हुई, और इससे न्यू स्टेट की एडिशन बहुत ज्यादा हुई। और यहाँ पे दो लोग थे जिनको 1805 में लीवर्स एंड क्लार्क उनका नाम था, दो लोग थे जिनको टॉमस जेफरसन ने भेजा कि वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का रूट तलाश करें। तो ये लोग, आप ये देखें कि यहाँ से इधर से लेके दे फ्रॉम इस ओरिगॉन टेरिटरी से होके दे ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड अप टू वेस्टर्न कोस्ट। उसके बाद अमेरिका जो है, आपको पता है कि अपने जाती मामलात में बिजी हो गया, स्टेट्स न्यू ऐड हो रही थी, टेंशन बढ़ी थी कि स्टेट को किधर लेके जाएं। लेकिन आते आते आपने देखा है कि स्पेन बहुत वीक हो चुका था, और ये जो टेरिटरीज थी ये इनके लिए बड़ी जरूरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी छोटी सी वार हुई 1819 में स्पेन के साथ, और इस वॉर को इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली कंक्लूड किया। बिकॉज अगर आप देखें ना, तो मसला ये था कि यहाँ पे ना ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर एक इंडियन ट्राइब था जिसको कहते हैं सेमिनोल, और सेमिनोल ने बाद में स्पेनिश जब कमजोर हुए तो स्पेन से प्रॉपर तीन वॉर्स लड़ी, तीरी वॉर्स, लाइक फर्स्ट सेमिनोल वॉर, सेकेंड सेमिनोल वॉर, थर्ड सेमिनोल वॉर। तो स्पेन का बुरा हाल था, स्पेन बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो चुका था। और तीसरी बात ये थी कि स्पेन का ज्यादा मेजर होल्ड था साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में यूएस की मोनरो डॉक्ट्रीन की वजह से बाकी वेस्टर्न पावर्स को डर डर लगने लग गया था कि यार यूएस तो अब हमसे लड़ेगा अगर हम इधर आंख उठा के देखेंगे। तो यूएस की मोनरो डॉक्ट्रीन ने, बेटा ये वहां पे सेमिनोल लोकल इंडियंस थे और इन्होंने स्पेन की नाक में दम किया हुआ था, या स्पेन अब वीक था ना, तो स्पेन को बुरी तरीके से ये लोग मारते थे, डिस्टर्ब रखते थे स्पेन को बहुत ज्यादा। तो जब यूएस ने मनरो डॉक्ट्रीन दी तो यूएस की मनरो डॉक्ट्रीन ने साउथ अमेरिकन को बहुत बोल्ड कर दिया। तो साउथ अमेरिका में यहां पे फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई, आजादी की तहरीकें स्टार्ट हो गई। इसी का फायदा उठाया यूएस ने, यूएस ने एक छोटी सी यूएस स्पेनिश वॉर के जरिए 1819 में जंग लड़ी। जंग क्या लड़ी, मतलब वैसे ही समझ लो कि डराया धमकाया, और यहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं एडम ऑनेस्ट ट्रीटी। मतलब सिर्फ उसका इम्पैक्ट बता दिया ना, आगे वाला भी इम्पैक्ट थोड़ा सा बता दिया था कि सिस्टम स्कीम समझ आ जाए। ये अभी इस पे भी आता हूँ, ये क्यों बताया ये भी अभी बताता हूँ आपको, ये इसी सिनेरियो में क्यों बताया ये भी अभी बताता हूँ। एडम ऑनेस्ट ट्रीटी हुई, और एडम ऑनेस्ट ट्रीटी करके इन्होंने ये वाला जो पार्ट था, जो फ्लोरिडा था, ईस्ट फ्लोरिडा और वेस्ट फ्लोरिडा अनेक्स कर लिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अर्शद कि ये इसी कंटेक्स्ट में क्यों बताया। आगे मैंने आपको क्या बताया कि मनरो डॉक्ट्रिन की वजह से, मनरो डॉक्ट्रिन की वजह से साउथ
साउथ अमेरिका में क्या होने लगी थी? उन फ्रीडम मूवमेंट्स की वजह से कौन वीक हो गया था? यहां पे इधर फ्लोरिडा से लेके नीचे सारा कंट्रोल किसके पास था? नीचे सारा कंट्रोल किसके पास था? स्पेन के पास था। तो जो ऊपर वाली बात बताने का मकसद ये था कि जब स्पेन वीक हो गया था तो 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से आजादी हासिल कर ली। मतलब ये कि ये जो नीचे बिल्कुल मैक्सिको था, ऊपर कनाडा, नीचे यूएस, और यूएस के नीचे जो मैक्सिको था, और यूएस का ये वाला हिस्सा भी। बिकॉज अगर तुम पहला लेक्चर याद करो, अपना पहला लेक्चर याद करो, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये यूके, ये स्पेन, ये फ्रांस, और ये यहाँ पे भी स्पेन। तो जब स्पेन यहां से गया तो ये एरियाज किसके पास आ गए? ये एरियाज मैक्सिको के पास आ गए। ओ भाई, मैक्सिको के पास, बेटा मैक्सिको के पास। अब ये मैप देखो ना, ये मैप देखो, तो इस मैप में ये सारे एरियाज किसके पास हैं? स्पेन के पास थे, ठीक है। अब स्पेन से 1821 में जब मैक्सिको ने आजादी ले ली, तो ये सारे एरियाज किसके पास चले जाएंगे? मैक्सिको के पास, ठीक है। अब अगली बात ये समझो कि ये जो एरियाज हैं, ये एक कंट्रीज को बहुत प्यारे लगते हैं। उनके दिल में हर टाइम हाय हाय निकलती है कि हाय, दैट कंट्री इज यूएसए। बिल्कुल इधर बैठे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पहले इस कंट्री में, इस मैक्सिको में, यहाँ पे अपने लोग इन किए, और लोग इन किए कि ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हम शुगर केन की प्लांटेशन के लिए इन कर रहे हैं, ठीक है जी। फ्लोरिडा को तो कहानी खत्म होगी ना, हम आगे आ गए हैं, यहां तक सारा एरिया कर लिया है, हम यहां पे आ गए हैं अब, ठीक है। इनका शुगर केन की प्लांटेशन करनी है। अब असल में, अब आप तुम खुद सोचो कि शुगर केन की प्लांटेशन के चक्कर में भला अमेरिका क्या कर रहा है? टैक्सेस में अपने बंदे बढ़ा रहा है, हौले हौले टैक्स, जैसे कश्मीर के ऊपर कब्जा हो रहा है ना इंडिया, हौले हौले अपने बंदे बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे भी अमेरिका बंदे बढ़ा रहा है अपने। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिको एक दिन क्या कहेगा? मैक्सिको एक दिन क्या कहेगा? मैक्सिको यही कहेगा कि भाई अब और बंदे ना आए, स्टॉप, बस अब और बंदे ना आए, ठीक है। लेकिन क्या यूएसए, जो इतना बड़ा चौधरी है, वो मैक्सिको की ये बात मानेगा कि और बंदे ना आए? नहीं मानेगा। यूएस ने बहुत बड़ी गेम की। यूएस ने क्या गेम की? यूएस ने ये जो टेक्सास का एरिया है, ये टैक्सेस कह रही है, यहां पे लोगों को वोलाटाइल किया, तो मैक्सिको के साथ रहो ही ना, फिर क्या करें? मैक्सिको से इंडिपेंडेंस ले लो। है यस। तो क्या हुआ, 1836 में टैक्सेस ने मैक्सिको से इंडिपेंडेंस ली, और टेक्सास एक आजाद मुल्क बन गया, जिसको कहते हैं लोन स्टार रिपब्लिक। अली, टेक्सास के अंदर मेजोरिटी अमेरिकन ही हैं, पहले बता दिया ना।
ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, मेजोरिटी अमेरिकन ही थे, बस इन्फ्लुएंस पूरा पूरा उनका था। अच्छा बच्चों अब एक बात देखो, ये रेट कितनी है, 1836, और ये रेट कितनी है, 1845। इन दोनों डेट्स को याद रखो, ये है 1836 और ये है 1845। क्या समझ आ रही है कि 1836 से लेके 1845 तक यूएस ने टेक्सास के ऊपर कब्जा नहीं किया। पता क्या बात है बताता हूं तुम्हें, देखो देखो मैक्सिको क्या कहता होगा कि ये सारा काम किसने करवाया है, ये सारी काम किसने करवाई, यूएसए ने। और यूएसए क्या कहता होगा कि हमने ये नहीं करवाया, लेकिन असल में ये किसने करवाया, यूएस ने। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि ये यूएस ने करवाया, दिस लोन स्टार रिपब्लिक। एक स्टार का क्या मतलब होता है, एक स्टार का क्या मतलब होता है, सारी कहानी समझ आ गई, कहानी समझ आ गई। ठीक है अब देखो, अब यूएस ना, यूएस फंसा हुआ था अपने डोमेस्टिक इश्यूज में, यूएस फंसा हुआ था अपने डोमेस्टिक इश्यूज में। बिकॉज मैं तुम्हें कल बताऊंगा डिटेल में, अभी थोड़ा सा टेस्ट दे रहा हूँ, कल डिटेल में बताऊंगा, आप थोड़ा सा टेस्ट दे रहा हूँ कि देखो अगर टेक्सास को वो अपने साथ मिलाते हैं ना, वही बता रहा हूँ फिजा, कि अगर टेक्सास को अपने साथ मिलाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा पंगा जनरेट हो जाना था। कौन सा, स्लेव और नॉन स्लेव, स्लेव और नॉन, इसको स्टेट कैसे बनाएंगे, इतनी बड़ी के अंदर कितनी स्टेट्स बनेंगे, तो डिसीजन कैसे होगा, ये हम अभी देखते भी हैं। और असल इसका आपको कल सही समझ जाएगी इस टैक्सेस के बारे में, आज बस इसको सिर्फ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के सिनेरियो में समझो। 9 साल कुछ भी नहीं किया, 9 साल कुछ भी नहीं किया, साल आ गया 1844। 1844 को 4 पे डिवाइड करो, होता है कितना आंसर आएगा, काश मेरी मैथ अच्छी होती ना, 461। तो इसका क्या मतलब है अब, यस कितना सौखा तरीका है ना ये, यूएस इलेक्शन होने थे 1844 में, कौन कौन लड़ रहा था, एक तरफ लड़ रहा जेम्स के पोक और दूसरी तरफ लड़ रहा था हेनरी क्ले। अच्छा अब इस दौर में जो नारा लगा ना, नारा जो पॉलिटिकल स्लोगन होता है, वो पोक का ये था, हुर्रे वेद पोक एंड एनेक्सेशन डाउन वेद क्ले एंड हाई टैक्सेशन। इसमें ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हुर्रे का एजेंडा क्या था कि मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बना मैं टेक्सास को अपने साथ एनेक्स कर लूंगा। लेकिन एक और बात भी तो समझो ना, टेक्सास को एनेक्स करना किसको दावत देना है, जंग की मैक्सिको को, और मैक्सिको यही कहता था, मैक्सिको का यही स्टांस 1836 से ऑनवर्ड कि जिस दिन यूएस ने टेक्सास को अनेक्स किया
उसी दिन हमारी इनके साथ जंग होगी। लेकिन खैर, ये मैक्सिको की जंग से नहीं डरते थे, ये अपने घरेलू मसाइल की वजह से डरते थे। लेकिन एनी हाउ, हुआ ये कि 1845 में एक बंदा था जिसका नाम था जॉन ओ सुलिवन। आसिफ, समझ आ रही है? हाँ, फजल को भी आ रही है और अली को भी आ रही है और आयशा तूर को भी आ रही है। लिखने में सारे मसरूफ हो। जॉन सलीवन, कोई नहीं बेटा, आपको आनी नहीं है कभी पूरी, जो आपके हालात है ना, आपको नहीं आनी। जॉन सलीवन वाज जर्नलिस्ट। उसने एक टर्म कॉइन की एंड दैट टर्म वाज मैनिफेस्ट डेस्टिनी। और आपने, जब तक आपके पेपर नहीं होते, आपने भी अपनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी यही रखनी है कि मुझे तो अल्लाह की तरफ से, मैं बना बनाया सीएसपी हूं। मेरी मैनिफेस्ट डेस्टिनी यही है कि मैं पैदा ही शायद सीएसपी बनने के लिए हुआ था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहते हैं कि वो तकदीर जो आपके हिस्से में लिख दी गई है। जॉन सुलिवन ने भी यही कहा था कि ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने सी से लेके हाई सी तक एक्सपेंड करना है। पोक ने इसकी बातों को सीरियस ले लिया। अच्छा, पोक प्रेसिडेंट कब बनेगा अगर 1844 में इलेक्शन होगा तो? वेरी गुड, 1845 में। और पोक का नारा क्या था? हुर्रे वे पोक एंड एनेक्सेशन। तो जिस दिन पोक प्रेसिडेंट बना, उसी दिन उसने टेक्सास एनेक्सेशन की। तो जैसे ही टेक्सास एनेक्सेशन होगी, तो मैक्सिको का क्या रिस्पांस होगा? वॉर। तो अगले साल 1846 से लेके 1848 तक एक वॉर हुई जिसको कहते हैं यूएस मैक्सिकन वॉर। मजा आया? ओके, वॉर के बाद क्या हुआ? वॉर के बाद क्या हुआ? वॉर के बाद ये हुआ कि यार, वो यूएस जिसने स्पेन को कुछ नहीं समझा, वो यूएस जिसने यूके को कुछ नहीं समझा, उसके लिए मैक्सिको क्या क्या था? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1846 से लेके 1848 तक मैक्सिको को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, और साथ में ये भी कब्जा कर लिया 1845 में, जैसे जंग स्टार्ट हुई। और साथ में जंग जीतने के बाद ये जो साथ में ये एरिया भी था, इसको भी सील कर लिया, इसको भी अपने साथ मिला लिया। और एक ट्रीटी की, नहीं, वो लोकल थे ना बच्चे, लोकल थे। एक ट्रीटी की जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ, अच्छा बच्चों, जंग के बाद ना एक ट्रीटी जरूर होगी, और ये तुम अपनी जंगों से भी देख सकते हो। देखो, हमने 65 की जंग जीती, तो कौन सी ट्रीटी की? ताशकंद डिक्लेरेशन। और 1817 की जंग जीती और दुश्मन को चनो नाक नाक चनो किया।
बड़ा बॉर्डर है मैक्सिको के साथ। तो इस ट्रीटी के जरिए इन्होंने मैक्सिको दिए 15 मिलियन, कि जो कुछ मैक्सिको का नुकसान सुकसान हुआ है वो पूरा कर ले मैक्सिको। और अगर तुम मैप पे देखोगे ना और लिखोगे यूएस मैक्सिको बॉर्डर, तो तुम्हें एक दरिया मिलेगा, यूएस मैक्सिको बॉर्डर। ये थोड़ा सा आ रहा है, इसकी क्लियर नहीं आ रही। ये देख लो कि इस एक तरफ रिवर, एक तरफ जो है ना वो यूएसए है और एक तरफ जो है ना वो मैक्सिको है। जस्ट इन केस ये देख लो, ये भी बुला रहे हैं, एटलीस्ट 360 माइग्रेंट्स डाइड ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स दिस। ठीक है, और इस रिवर को बाउंड्री बनाया गया। रिवर को क्या कहते हैं, इस रिवर को क्या कहते हैं, रियो ग्रैंड रिवर। और ये बड़ा अच्छा लगता है एमसीक्यू पीपीएससी वालों को, पता नहीं इसके साथ कोई रिश्ता किया हम लोगों ने, हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछते हैं कि किस किस के दरमियान है। ठीक हो गया। बाद में इन्होंने इवन के मैक्सिको को दोबारा खुश करने के लिए, ये जो एरिया है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है गैडसन परचेज, तो ये गैडसन परचेज भी किया इन्होंने मैक्सिको से 1853 में, और उनको 10 मिलियन दिए और ये एरिया भी उनसे परचेज किया। अच्छा, अब जब पोक था ना, तो पोक के एरा को याद किया जाता है एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि ना इसने मैक्सिको के में एक्सपेंशन की, बल्कि इसने एक और भी बड़ा आउटस्टैंडिंग इश्यू रिजॉल्व किया, और वो था यूके के साथ। अब यूके पे भी इनको और नारा भी था, आपको बता सकता है कौन सा था, पता है किसी को? कहते थे 54। वेरी गुड सभी का, सभी का तुम्हें सही पढ़ा दिया उसने, तो फिर तुम क्यों क्लासेस ले रही हो? 54 40। आज जो यूएस और कनाडा का मैप है, इनके दरमियान जो लाइन है, इनके दरमियान जो लाइन है, दैट इज 40 एट 49 डिग्री। और अक्सर का ये कहा जाता है कि 49th पैरेलल किस किस को डिवाइड करता है, यूएस और कनाडा को। देखो ये पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल होता है। ठीक है, ओके, 39th पैरेलल किसके दरमियान है, इट इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, 17th पैरेलल किसके दरमियान है, सॉरी इट इज 38th पैरेलल। ठीक है, इट इज बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, और एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है, उसको आई गेस 24th पैरेलल कहते हैं। ये जो इंडिया और पाकिस्तान का ये जो क्रीक इशू है ना सर, क्रीक इशू, तो वहां पे ये इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होते हैं, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ये आपको वैसे एमसीक्यू के लिए बता दिए हैं, कभी काम आएंगे। अच्छा, अब यूएस क्लेम करता था कि जो हमारा एरिया बनता है वो 54 तक बनता है, या हम 54 तक एरिया लेंगे या हम इनसे वॉर करेंगे। लेकिन खैर, वो क्या कहते हैं, इतना भी पोपो के बेटे नहीं है यूके वाले। अब इनको पता था कि यूके के साथ ज्यादा पंगे किए तो चपेड़े बहुत ज्यादा पड़नी है, तो खैर यहाँ पे इन्होंने इनके साथ ट्रीटी कर ली। इसे कहते हैं ओरिगॉन सेटलमेंट इन 1856, जिसमें उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, और इस कंप्रोमाइज के साथ दे एग्रीड ऑन 49 पैरेलल। अच्छा पुत्री, अब एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जो अलास्का है ना, अलास्का, अलास्का की असल पोजीशन कौन सी है? अलास्का की असल पोजीशन कौन सी है भला? और इसकी भी हवाए की भी, इन दोनों की पोजीशन में तुम लोगों को दिखाता भी हूं। बच्चे ठीक, का नाम है ओरिगॉन सेटलमेंट। ओरिगॉन सेटलमेंट देखो, ये अलास्का, ऑन मैप और हवाई ऑन मैप, इमेजेस ये देखो, ये बिल्कुल जहां पे ये यूएस है, और बिल्कुल इधर रशिया के साथ है। लेकिन ये देखो, मैंने पहले भी तुम्हें दिखाया था कि ये रशिया के बिल्कुल साथ है अलास्का। और हवाए कहाँ पे है? हवाए बिल्कुल आगे जाके पैसिफिक में है। ये देखो, ये अगर यूएस है तो इधर आगे जाके पैसिफिक में जो है ना, वो हवाई आइलैंड्स हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब 1867 में रशिया ना, रशिया रशिया का ना, आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो अलास्का है ना, ये रशिया से ना सेंटर से बहुत दूर है। मतलब बहुत दूर का मतलब कि बहुत ही ज्यादा दूर है, और यहां तक उनका कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये जो अलास्का का एरिया ना, ये उनके लिए इट वाज लाइक ए वाइट एलिफेंट, कि इसको जो है ना वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, तो रशिया चाहता था कि यार मैं ये एरिया जो है ना, ये बेच दूं यूएस को। तो 1867 में यूएस का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था सीवर्ड, तो सीवर्ड ने डील की रशिया के साथ और इन 1867, और फिर ये एरिया जो है बाद में रशिया से ट्रांसफर हो गया। 7 मिलियन का उन्होंने ये परचेज किया, और 7 मिलियन का ये एरिया उन्होंने सीवर्ड को दे दिया। जब सीवर्ड ने ये एरिया लिया था, तब लोग कहते थे कि सीवर्ड उल्लू के पट्टे ने 7 मिलियन की जो है ना, वो बर्फ खरीद ली है, तो इसलिए इसको सीवर्ड्स फोली भी कहते हैं, कि ये सीवर्ड्स की बेवकूफी थी। लेकिन खैर, बाद में सीवर्ड्स की यही बेवकूफी उनकी बात में बहुत बड़ी सक्सेस बनी, बिकॉज कोल्ड वॉर में भी इसकी वर्थ बहुत ज्यादा थी, और अभी भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ही, हम बाद में भी देखेंगे। हवाई में इन्होंने वही काम किया, हवाई में इन्होंने वही काम किया जो इन्होंने टेक्सास में किया था। अगेन, हवाई में पहले अपने बंदे इन किए, उसकी डेमोग्राफी चेंज की, ठीक है, और जब उनको लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं ना, मतलब ये लोग तो ज्यादा ही एंटर हुए जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, तो वहां पे जो हवाई की क्वीन थी
अब मुझे इसको प्रोनाउंस करना तो नहीं आता, तो तुम लोगों ने खुद ही इसको ना प्रोनाउंसिएशन इसकी खुद ही सीखनी है। यहाँ पे वाई की क्वीन थी लिली, लिलियो पता नहीं क्या है यार, लिलियो कलानी क्वीन इसके, ये मुनार थी। यहाँ पे जब उसको लगा यार ये ज्यादा ही जो है ना वो एंटर हो रहे हैं, तो उसने इनको एंटर होने से निकाल दिया, रोक दिया कि अब बस और एंट्री नहीं करनी। तो यूएस क्या करेगा, वही जो यूएस का हमेशा से काम है, इसकी गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, ओवरथ्रो कर देंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी का रजीम लेकर आए, और बाद में 1898 में इस पे भी कब्जा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब सीन क्या हुआ, अब सीन ये हुआ कि इस टाइम ऊपर 49th पैरेलल से लेके नीचे रियो ग्रांडे तक और इधर सी से लेके हाई सी तक, देर वॉज ओनली वन कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या तुम कह सकते हो कि स्टोरी ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इज द स्टोरी ऑफ परचेजेस? एनेक्सेशन, सेटलमेंट एंड सेशन या कंसेशन, कह सकते हो? ये क्वेश्चन जो है, अगर तुम्हारे माइंड में ये मैप रह गया ना, तो ये क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। ज़े हाले मिस्कीन मकुन तगाफ़ल, क्या कह रहे हो? ये वेस्टवर्ड से ना तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन वाज द स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन, सेशन एंड कंसेशन, परचेज 2015 में पूछा गया था। और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन वाज द स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन, कंसेशन, परचेजेस, सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 2019 में पूछा गया था। और एक्सपेंशन ऑफ यूएसए, ये 10 नंबर का सवाल 2017 में पूछा गया था। और ये 10 10 नंबर के सवाल हैं। एक मनरो डॉक्ट्रिन है और एक डॉलर डिप्लोमेसी है। मनरो डॉक्ट्रिन मैंने तुम्हें थोड़ी सी बता दी है, सॉरी मनरो डॉक्ट्रिन तुम्हें बता दी है, डॉलर डिप्लोमेसी तुम्हें थोड़ी सी बता दी है, तो 7वीं क्लास में ये मजीद डिटेल में बता दूंगा। बाकी हम 6ठी क्लास में पढ़ेंगे अमेरिकन सिविल वॉर। हाँ तो देखो ना, हिस्ट्री चेंज तो नहीं होती, बड़े क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे ये देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देख दिखाता हूँ, तो कौन से थे ये देखो। खैर ये बाद में दिखाऊंगा ना, अभी क्या इतनी जल्दी है। तो जनाब ये इतनी सी बात है, दिल खुश हो गया तुम लोगों का कि नहीं हुआ? तो इस मैप को सामने रखना है, इस मैप को सामने रखना है और तुमने सारा कुछ कर लिया। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू मेजूरी कंप्रोमाइज, अकॉर्डिंग टू मेजूरी, बस आखिरी बात है, छुट्टी कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू मेजूरी कंप्रोमाइज,
ये जितने भी एरियाज न्यू ऐड हुए ये कहाँ जाने चाहिए थे, साउथ में कि नॉर्थ में? क्लेम लेकिन ये पूरी 15-20 न्यू स्टेट्स थी, तो क्या नॉर्थ ये बात बर्दाश्त कर सकता था कि सारी की सारी स्टेट साउथ में चली जाए? तो तुम्हें समझ आ रही है कि सिविल वॉर क्यों हुई, बैकग्राउंड बन गया? चलो वेरी गुड, इंशाल्लाह कल क्लास में बैठ के ना इंशाल्लाह विद इन आ क्लास इंशाल्लाह कि हम उसी को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको सिविल वॉर क्लास में याद हो जाएगी, ठीक है? और सॉरी फॉर लेट टुडे, बस वो बाहर गए हुए थे तो मेरा ख्याल था कि जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन वो लेट होगी, आई डू अपोलोजीज। बेटा मैं शेयर कर दूंगा ना, और अभी तक कैसा लगा मेरा साथ? अच्छा है, बेस्ट है। हाँ, टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। हाँ ये बाकी 3 क्लासेस रह गई हैं। अकेडमी अच्छी सी बता दूँ, अच्छी अकेडमी सारी है, अच्छी नोवा अच्छी है वैसे, नोवा इज गुड वन। हालांकि मैं नोवा में नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नोवा इज गुड। कंपल्सरी शंपल्सरी जरा अच्छे करवा देते हैं वो। यार बाकी देखो मुझे इतना नहीं पता टीचर्स टीचर्स का ना, कि टीचर्स कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता। हाँ मैं अपनी ना एकेडमी बना रहे हैं, क्या मशवरा तुम लोगों का? सीएसएस को छोड़ दें, एकेडमी बनाते हैं, बिकॉज इंसान को वही करना चाहिए जिसमें इंसान अच्छा होता है। मुझे लगता है कि आई एम ए गुड टीचर, आई एम नॉट ए गुड ऑफिसर। नहीं, अच्छा ऑफिसर भी हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगली आने वाले जिंदगी में, कि या तो मैं टीचर बनूंगा तो, या तो जो है ना मैं ऑफिसर बनूंगा। आई हैव टू डिसाइड। तो मुझे यही लग रहा है कि मैं ऑफिसर बनूंगा, टीचर को गोली कराते हैं। हाँ कभी कभी पढ़ा दिया करेंगे मूड हुआ तो। नहीं बटे मैं आया नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच आई यार, आई एम सॉरी। हाँ यार बहुत लंबा यार, मैं नहीं अब उसमें पढ़ना चाहता, वो बस एक ही था। हाँ आई लॉ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आई लॉ पढ़ाऊंगा। इस मंथ के एंड पे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? पंजाबी, ठीक है? फिर 15 दिन फिर रेस्ट करेंगे, 15 दिन फिर सोएंगे, फिर 15 दिन बाद मतलब के 20 को, 20 कौन सी बन जाएगी, अक्टूबर? हाँ 20 अक्टूबर को पढ़ाएंगे आयला, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो सब्जेक्ट दिल में आया वो करवा दिए। नहीं, इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। और ये जो हर बंदा उठ के इंग्लिश पढ़ाने लग जाता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार इनको इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। देखो मैं सीएसपी हूं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैंने तो सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर पास किया है, और क्या पता मेरा अपना तुक्का लगा हो। ऑल्दो मेरे बड़े अच्छे स्कोर थे, मेरे एक में प्रेसी में 62 थे और एसए में 48 थे, आई गॉट गुड स्कोर, लेकिन फिर भी यार मुझे मुझे इस चीज में डाउट होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, और मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, मेरा जो एक सब्जेक्ट ही नहीं है मैं वो क्यों पढ़ाऊंगा? मेरा सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मेरा आईआर था, पंजाबी था, एग्रीकल्चर था, यूएस हिस्ट्री था, राय लॉ था। और अगर तुमने मुझसे एग्रीकल्चर पढ़नी है तो भाई आपको सिखाएगा कि आपने 34 मार्क्स कैसे लेने हैं। आर यू इंटरेस्टेड? डेफिनेटली नॉट।
यार एग्रीकल्चर का पता क्या करना, जो एग्रेरियन है ना उनको मशा देता हूँ। एग्रीकल्चर का पता क्या करना, जो नोट्स नहीं थे हमारे पहले 2 साल वाले, जो हमारे 2 साल वाले बेसिक नोट्स नहीं थे, वो एग्रोनॉमी के, पीपी के, पीपीजी के, हॉर्टिकल्चर के, वो सारे, वो अच्छे तरीके से करना, है ना मरियम? उनको कहीं से मंगवा लेना मरियम, वो नोट्स जो है ना वो कहीं से मिल जाएंगे, वो जो 2 साल वाले हैं पहले स्टार्ट वाले। हाँ हाँ क्लास एंड हो गया बच्चों, मेरे ख्याल में स्टूडेंट फोटोशॉप पे बड़े होंगे ना।